हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर BMS। और आज हम बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में। आप अपने लीवर को हेल्थी कैसे रख सकते हैं, लीवर की इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं, और लीवर के ख़राब होने के कारण जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें भी आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी फैट के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों में बॉडी फैट ज़्यादा है, जो ओबीस पीपल हैं, उनमें फैटी डिजीज़, फैटी लीवर होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों, जैसे भी हो अपने वेट को कम करें। जितना वेट आपका फैट वगैरह बॉडी में कम होगा, आपको लीवर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। दोस्तों, लीवर को अच्छा सेहतमंद रखने के लिए आप तली हुई चीज़ें, फ्राइड थिंग्स, हैवी जो फूड है, हैवी डिनर वगैरह, इस सब से बचें दोस्तों। ये इन सब का सेवन ना करें। जो सैटुरेटेड फैट्स वगैरह होते हैं, जो कि डेयरी में भी पाए जाते हैं, रेड मीट में भी पाए जाते हैं, तो इन जो फूड्स हैं इनका सेवन कम से कम करें दोस्तों। इसके अलावा आप अपने फूड्स में, अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह का सेवन करें, सीरियल्स वगैरह का सेवन करें, जो कि लीवर के लिए बहुत ही हेल्थी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा लीवर को हेल्थी रखने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप व्यायाम हफ्ते में 4 दिन भी करते हैं आधे आधे घंटे के लिए, तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके अलावा लीवर को हेल्थी रखने के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स जो आते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडस वगैरह, जो फूड जिनमें ये फूड में ये पाए जाते हैं, उनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो प्रोबायोटिक्स जो नेचुरली हैं, वो दही में पाए जाते हैं, कार्ड में पाए जाते हैं, और प्रीबायोटिक्स युक्त पनीर भी, चीज़ भी मार्केट में उपलब्ध है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं दोस्तों। अपने लीवर को हेल्थी रखने के लिए आप स्मोक एंड ड्रिंकिंग को अलविदा कह दें, क्योंकि स्मोक करने से और अपने ड्रिंक करने से आपके लिए जो लीवर की समस्याएं हैं बढ़ सकती हैं, और आगे जाके लीवर सिरोसिस वगैरह, फैटी लीवर वगैरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा लीवर की जो प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वगैरह, इनके लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं हमारी मार्केट में। अगर आप वैक्सीनेट करते हैं अपने आप को, तो ये सबसे अच्छा है। यू नो, प्रिवेंशन इज़ द क्योर। अगर आप वैक्सीन्स लगाते हैं ए और बी के, तो आप हेपेटाइटिस वगैरह और लीवर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम कम से कम करें दोस्तों, बिकॉज स्ट्रेस लेने से या फिर डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम्स के, उसकी जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, उससे भी लीवर प्रॉब्लम्स होने का खदशा बढ़ जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।